everyone. Sarila ma'am is back with the same lesson in English. Today we are going to continue with the same lesson and we are going to start our exercise today, okay? So take out your book everyone, take out page number, open page number 18, okay? Page number 18. पेज नंबर 18 में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, आंसर टाइम. ओके, सी हियर इन योर बुक पेज नंबर 18, आंसर टाइम. ठीक है, इन आंसर टाइम फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू दैट इज टिक द करेक्ट आंसर. इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन सी द थ्री ऑप्शंस आर गिवन एंड सेलेक्ट द राइट वन. ओके, करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन रीड करोगे, उसमें जो तीन ऑप्शंस दिए हैं उन्हें पढ़ोगे और उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसके आगे जो बॉक्स गिवन है उसमें आप टिक लगाओगे, राइट, इन योर टेक्स्ट बुक दैट इज इन योर सेमेस्टर टू बुक. ठीक है, देन यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द सेम वे. सो आई हैव रिटन टू क्वेश्चंस हियर, फर्स्ट विल सॉल्व दिस एंड देन मूव ऑन टू द थर्ड वन. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज When his mother went to buy milk, James was. Question क्या है? When his mother went to buy milk, James was. जब उनकी मम्मा, उसकी मम्मा बाहर गई मिल्क लेने, तो James was. James क्या कर रहा था? James was. Three options are given. Reading a book, watching TV, Playing with toys. Three options are given. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है. क्यों? क्योंकि क्या हुआ था, जब उसकी मम्मा मार्केट गई थी तो जेम्स वॉज रीडिंग अ बुक एंड जेनी वॉज प्लेइंग विथ हर डॉल्स, राइट. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, टिक ऑन ऑप्शन ए. फर्स्ट ऑप्शन में टिक लगाओ सब लोग. हो गया. Now the next one, when James was hungry, he searched for pizzas, cookies, chocolate cake. Question में क्या पूछा है, जब James भूखा था उसे भूख लगने लगी, when he was hungry, he searched for, James ढूंढने लगा, क्या ढूंढने लगा, pizza, cookie या chocolate cake? Chocolate cake, right? जार में रखा था, जार में क्या रखा था, chocolate cake. So, tick on option C, that is chocolate cake. सब बच्चे टिक लगाएंगे, मैम के साथ सॉल्व करेंगे, इट्स नॉट दैट टफ और इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा. मैम के साथ साथ सिर्फ एक छोटा सा टिक लगाना है, सारे बच्चे करेंगे. सो फर्स्ट वाले में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में टिक लगाना है. देन सेकेंड वाले में ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में टिक लगाओ. ओके, Is that clear everyone? Now we'll move on to the third question. So now the third question and the fourth question is written here. Now we'll read this. What is it? When their mother saw the broken jar, she was. When their mother saw the broken jar, she was. जब उनकी मम्मा ने ब्रोकन जार देखा तो उनके कैसे एक्सप्रेशंस थे, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया था, सैड, हैप्पी और एंग्री. क्या वो उदास हो गई थी, सैड हो गई थी? नो. वाज शी हैप्पी? नो. एंग्री? यस, शी वाज एंग्री एंड शी आस्क्ड देम एंग्रीली हु ब्रोक द जार, राइट. गुस्से में थी उनकी मम्मा, है ना, ना उदास थी ना खुश थी, वो गुस्से में थी और उन्होंने गुस्से में पूछा भी कि किसने तोड़ा इस जार, राइट. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, सो टिक ऑन ऑप्शन सी एवरीवन. डन. नाउ द नेक्स्ट वन, आफ्टर टेलिंग द ट्रूथ जेम्स, सच बोलने के बाद जेम्स को कैसा लगा, ही स्माइल, ही फेल्ट बेटर इनसाइड और ही एट हिज लंच. तीन ऑप्शंस है, क्या वो हंस रहा था या उसको अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था या उसने अपना लंच फिनिश किया.
वॉट ही सेड टू हिज मॉम कि मम्मा मुझे सच बोलने के बाद अंदर से अच्छा लग रहा है सो क्या मैं अब खेलने जा सकता हूँ, ऐसा पूछा था ना. यस, तो द ऑप्शन बी इज द राइट वन. ही फेल्ट बेटर इनसाइड. टेक ऑन ऑप्शन बी एवरीवन. Done. So now we'll move on to question number B. That is, number the sentences from 1 to 5 in the order of the events as they happen in the story. Okay. Look into your book, everyone, and read the question. What is asked in the question? Number the sentences from 1 to 5 in the order of the events as they happen in the story. है ना, आपको क्या करना है, आपको 5 लाइंस दी हुई है आपके चैप्टर में से. और ये 5 लाइंस कैसी है, सिस्टमैटिक है, नहीं है, दे आर जम्बल्ड, है ना, ये यहाँ वहाँ उल्टे सीधे ऑप्शंस में लिखे हुए हैं. आपको क्या करना है, आपको उसे सही सीक्वेंस में नंबरिंग करना है 1 to 5. ठीक है, जिस सीक्वेंस में वो चैप्टर में आ रहे हैं लाइंस, उसी सीक्वेंस में आपको उसकी नंबरिंग करनी है. तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे लिए चैप्टर की लाइन में क्या आया होगा, चैप्टर में कौन सी लाइन आई होगी. हम रीड कर लेते हैं एक बार पांचों लाइंस. द ग्लास जार ब्रोक, मदर सेड यू विल नॉट गो टू प्ले टिल यू टेल द ट्रुथ. ही सेड सर ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द चॉकलेट केक His mother had baked. After some time, James felt hungry. Mother told James, "You should never be afraid to tell the truth." ठीक है? These are the 5 lines और इनके आगे आपको एक box दिया हुआ है, right? So अब इसमें से मैम आपको बताएंगी कौन से lines पहले आए हैं, right? So the first line is after some time James felt hungry, है ना? लेसन के बिगनिंग में तो इंट्रोड्यूस किया था कि जेम्स कौन है, जेनी कौन है, और वो दोनों क्या कर रहे थे, और उनकी मम्मा कहाँ गई है, राइट. और ये लाइन कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ है. फिर उसके बाद क्या बताया था कि थोड़ी देर बाद जेम्स को भूख लगने लगी थी, राइट. सो आफ्टर सम टाइम जेम्स फेल्ट हंग्री. फर्स्ट लाइन विल बी द फोर्थ वन, दैट इज आफ्टर सम टाइम जेम्स फेल्ट हंग्री. तो आप लोगों के बुक में यहाँ पे जो बॉक्स दिए हुए हैं इसमें से फोर्थ वाले में नंबर 1 डालो. ठीक है, डन एवरीवन, डू इट अलोंग विद योर मैम. नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट लाइन क्या है, उसे भूख लगी तो वो क्या करने लगा था. ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द चॉकलेट केक His mother had baked. वो क्या करने लगा था, वो चॉकलेट केक ढूंढने लगा था. सो राइट 2 इन द थर्ड बॉक्स गिवन. थर्ड क्वेश्चन के आगे जो बॉक्स दिया हुआ है थर्ड लाइन के आगे उसमें 2 लिख दो. ठीक है, डन एवरीवन. यस, उसके बाद क्या हुआ, उसने जब जार ढूंढा और जार निकालने लगा तो जार गिर के टूट गया. सो द ग्लास जार ब्रोक, ग्लास जार टूट गया, राइट. सो फर्स्ट बॉक्स जो है उसमें आप 3 लिखोगे. राइट डाउन 3 इन द फर्स्ट बॉक्स. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, उनकी मम्मा आई मार्केट से, है ना, और उनकी मम्मा किचन में गई और उन्होंने क्या देखा कि जार टूटा पड़ा हुआ है. और उनकी मम्मा को क्या हुआ, खुशी हुई, दुखी हुई या गुस्से में थी. यस, शी वॉज एंग्री, राइट. She got angry and she said, "Mother said you will not go to play till you tell the truth." क्यों? क्योंकि उन्होंने सच पूछा था और दोनों बच्चों ने सच नहीं बताया. तो उस गुस्से में मम्मा ने क्या कहा? You will not go to play till you tell the truth. So second box में लिखो 4. Second box में 4. Do it fast, everyone. Done. The next one is the last line, that is mother told James you should never be afraid to tell the truth. क्यों? क्योंकि उसके बाद क्या हुआ था, जब मम्मा गुस्सा होकर ऐसा बोली कि तुम कहीं नहीं जाओगे, दोनों अपने कमरे में जाके बैठ गए थे और बहुत उदास थे, है ना,
तो जेम्स ने क्या किया, वो चुपचाप से किचन में गया, उसके पीछे पीछे जेनी भी गई और जेम्स ने सच बताया, राइट। जेम्स ने अपनी मम्मा को सच बताया और मम्मा खुश हो गई, मम्मा ने कहा आई प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद मम्मा ने ये भी कहा कि बेटा कभी भी आपको सच बोलने से डरना नहीं चाहिए, यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रुथ। मदर टोल्ड जेम्स यू शुड नेवर बी अफ्रेड टू टेल द ट्रुथ, है ना। सो राइट फाइव इन द लास्ट बॉक्स, डन एवरीवन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज में आंसर टाइम के दो क्वेश्चंस किए, दैट इज क्वेश्चन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर बी ऑन पेज नंबर 18। नाउ विल डू द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल दैट कंप्लीट दिस। आई होप आप लोगों ने मैम के साथ किया होगा तो आपका अभी कंप्लीट हो भी गया होगा वर्क। सो डू दिस एंड लर्न दिस ऑल्सो। पेंडिंग कुछ नहीं छोड़ना है, जिस दिन जो चीज मैम पढ़ा रही है उस दिन उसे लर्न करो और कंप्लीट करो। नेक्स्ट डे के लिए कुछ भी नहीं रिमेनिंग छोड़ना है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एवरीवन। गुड डे एवरीवन।